नमस्कार। आज कढ़ी बनाने जा रही हूँ पकौड़े वाली, तो चलिए बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी बेसन मैंने लिया है यहाँ पे छान के। बेसन को पहले अच्छे से छान लें छलनी से, और एक कटोरी दही। दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, और अगर दही खट्टी नहीं है तो उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला लें, और अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल सकते हैं आप, तो उसका खट्टापन कम हो जाएगा। दो चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक प्याज स्लाइस कर लिए आधा काट के, और उसके इस तरीके के स्लाइस मैंने कर लिए। हींग लेंगे चुटकी भर, नमक टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर मैंने एक चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ लाल मिर्च ले रही हूँ। पीली सरसों है एक चम्मच, गरम मसाला पाउडर है एक चम्मच, जीरा है आधा चम्मच, मेथी दाना है आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर है एक चम्मच। और इसके अलावा तेल मैंने लिया है, तो डीप फ्राई करने के लिए तेल है मेरे पास। पकौड़ियाँ तलेंगे इसके अंदर हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पकौड़ियों का बैटर बनाएंगे, तो बेसन इसके अंदर, और थोड़ा सा बेसन बचा लेंगे लगभग दो चम्मच। और अब इसके अंदर थोड़ी सी दही लगभग एक चम्मच, और इसके साथ में ही डालेंगे नमक थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे कढ़ाई के अंदर से तेल, वो थोड़ा सा आधा चम्मच। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पानी बहुत ध्यान से डालें इसमें, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए इस तरीके का गाढ़ा घोल हमें चाहिए, और अच्छे से इसको थोड़ा सा फेंट देंगे ताकि पकौड़ियाँ हमारी सॉफ्ट बने। इसको दो से तीन मिनट तक इसी तरह से फेंट लेंगे। और अब इसको रेस्ट देंगे कम से कम 10 मिनट तक, इसको छोड़ दें ऐसे ही। चलिए 10 मिनट के बाद में सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, और तेल को हमें गरम करना है। चलिए तेल हमारा गरम हो चुका है, फुल आंच पे एकदम अच्छा गरम होना चाहिए तेल। और अब डालेंगे पकौड़ियाँ इसके अंदर, आप चाहें तो चम्मच से डाल सकते हैं, चम्मच से थोड़ी शेप अलग आएगी, गोल नहीं आएंगे पकौड़ियाँ, तो मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर लें लगभग एक चम्मच, और इस तरीके से छोड़ते जाएं, और एक बारी में 7 से 8 पकौड़ियाँ ही डालें, क्योंकि पलटनी भी होती हैं ये, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से डाल दें। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है पकौड़ियाँ। और इनको फ्राई करना है, और 2 मिनट के बाद में इनके ऊपर गरम तेल साइड से इस तरीके से डालते जाएं, और अब पलट लेंगे इनको बारी बारी से, एक एक करके इस तरीके से कलछी से आराम आराम से इनको पलटें। चलिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं पकौड़ियाँ हमारी, निकाल लेंगे बारी बारी से। अच्छे से पहले तेल इसका झाड़ लें, और फिर निकालते जाएं। और इसी तरह से बाकी बना लेंगे। चलिए पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, गैस को बंद कर देते हैं अब, और इनको भी निकाल लेंगे साइड में। और अब तेल को एकदम ठंडा करेंगे, उसके बाद में इसी कढ़ाई के अंदर हमें कढ़ी बनानी है,
तो तेल को फिर ठंडा करने के बाद में निकालेंगे, तब तक हम कढ़ी का घोल तैयार करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर दही, और दही डालने के बाद में ये बेसन जो हमने बचा लिया था, और साथ में डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, अगर कम ज़्यादा हो तो बाद में भी डाल सकता है कढ़ी के अंदर, और थोड़ा सा गरम मसाला घोल के अंदर अभी, और कुछ बाद में यूज़ करेंगे। और अब पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालें और इसको फेंट लेंगे, अच्छे से इसको फेंटना है, बेसन की इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी मैं, और अच्छे से इसको फेंट लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको फेंटना है। चलिए अब शुरू करेंगे कढ़ी बनाएंगे। तेल ठंडा हो चुका है, इसको आप चाहें तो किसी भी कटोरी में निकाल सकते हैं या किसी डिब्बे में भी निकाल सकते हैं, सारा तेल हम अलग निकाल देंगे। और लगभग आधा चम्मच बस तेल हमें इसमें रख रहे हैं, ये देखिए सारा तेल मैंने निकाल दिया है, ज़्यादा तेल इसमें नहीं चाहिए होता है कढ़ी के अंदर। और अब शुरू करेंगे, गैस ऑन करते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें जीरा, और जीरा जब थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद में डालेंगे मेथी दाना, और दोनों को भून लेंगे अच्छे से। और मेथी दाना अच्छे से भुन चुका है, अब डाल देंगे इसके अंदर प्याज के स्लाइस, और गैस को एकदम कम कर देंगे अब, और डालेंगे मसाले इसके अंदर बारी बारी से, थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक बिल्कुल हल्का सा क्योंकि हमने घोल के अंदर भी डाला है, और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को। और मसाला हमारा जले नहीं इसके लिए डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप, और इसको 2 मिनट कम आंच के ऊपर ही भून लेंगे। और जब मसाले थोड़े से भुन जाएं उसमें डालेंगे हींग चुटकी भर, और इसको भी अच्छे से मिक्स करें। और अब डाल देंगे इसके अंदर ये घोल हमारा बेसन का, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और गैस को अब तेज करेंगे, और एक उबाल लाना है इसमें, लेकिन बराबर इसको हिलाते रहें। ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया, अब इसके अंदर डाल देंगे लगभग 1 गिलास पानी, उबाल आने के बाद डालें पानी, और अब इसको अच्छे से फिर से मिक्स करें, और कम आंच कर देंगे अब, कम आंच के ऊपर लगभग 10 मिनट तक इसको पकाना है हमें ढक्कन लगा के। चलिए चेक करते हैं 10 मिनट के बाद में, ये देखिए अच्छे से उबल चुकी है कढ़ी हमारी, एक बार अच्छे से मिक्स करें, और गैस को अब बंद कर दें, और गैस बंद करने के बाद में डालें इसके अंदर ये पकौड़ियाँ। और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करें, और साथ में डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ढक्कन लगा देंगे इस पे लगभग 2 से 3 मिनट तक, इसको ढक्कन लगा के ऐसे ही छोड़ दें ताकि पकौड़ियाँ हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से कढ़ी को पी लें वो। चलिए सर्व करते हैं।
इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। एक बार फिर से मिक्स करें और इस स्टेज पे आके आप नमक चख सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो डाल सकते हैं आप। चलिए निकाल लेंगे किसी भी बाउल में जो ये सरसों हमारे पास है। एक तड़का पैन लेंगे, उसके अंदर ले रही हूँ मैं एक चम्मच तेल, जो तेल अभी कढ़ाई से निकाला था वही आप ले सकते हैं। और इसको गरम करेंगे, और तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद में डाल देंगे ये सरसों इसके अंदर। और सरसों के चटकने तक हमें इसको भूनना है। आप चाहें तो करछी में भी कर सकते हैं, बड़ी अगर करछी है आपके पास उसके अंदर भी ये आराम से हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से क्रैकल होने लगी है। अब सीधा डाल देंगे इसको इसके अंदर और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और कोई भी प्लेट आप इसको ढक दें 2 मिनट के लिए। और लीजिए कढ़ी पकौड़ा हमारा तैयार है। आप चाहें तो फुलके के साथ खाएं, या चावल के साथ खाएं, या नान के साथ में, किसी भी टाइम गर्मा गर्म खाएं, एंजॉय करें कढ़ी पकौड़ा।